हेलो गाइस, दिस इज़ गैब्रियल वैन और मैं लेके आ गया हूँ एक नई वीडियो जो है बीबॉप पे। बीबॉप बहुत फेमस और बहुत ही बेस्ट है बिगनर्स के लिए, और इसके कॉम्बोज बहुत चलते हैं, तो मैं कॉम्बोज आगे बताऊँगा। सबसे पहले इसको जो बुलेट्स मिलती हैं स्टार्टिंग में गेम के, 66 बुलेट्स, और इसको चालू होने में देखो ये सर्कल घूम रहा है, चालू होने में टाइम लगता है। ओके, और इसका जो एरिया रहता है वो कम रहता है स्टार्टिंग में। ये देखो ये एरिया नहीं दे रहा, अभी मैं पास जाऊंगा तो डैमेज देगा ये। ओके, तो अब आते हैं एबिलिटीज़ पे। तो इसकी फर्स्ट एबिलिटी जो रहती है अपर कट, जिससे वो ये ऐसे दूर फेंकता है। ये अपने खुद के एलाइज के साथ भी कर सकते हैं, एलाइज को भी दूर फेंका जा सकता है, उनको डैमेज नहीं पड़ेगा, फिक्र मत करो। और इसकी जो सेकंड एबिलिटी है वो है बॉम्ब, ये बॉम्ब प्लांट हो जाता है और ये फटता है। और अगर कोई एनिमी साथ में खड़े हैं उनको भी डैमेज पड़ेगा, जैसे मैंने इसके ऊपर लगाया तो उसके साथ में वो बंदा खड़ा है तो दोनों को 122 का डैमेज पड़ा। अब सेकंड है इसका हुक, हुक जो है वो किसी भी एनिमी को दूर से खींचता है और अपने पास बुला लेता है। और इसकी जो अल्टीमेट है वो पोर्ट एबिलिटी है, तो जैसे मैंने ये अल्टीमेट खोली, ये बहुत ज़्यादा डैमेज देता है। और ये सर्कल जो है, अगर इस सर्कल में भी अगर कोई आएगा तो वो भी डैमेज खाता है। इनकी एबिलिटीज़ को अगर हम अपडेट करते हैं तो क्या होता है कि फर्स्ट एबिलिटी को अगर मैं अपडेट करता हूँ तो ये 11 सेकंड का कूलडाउन जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है, 9 सेकंड हो गया। और अगर मैं सेकंड एबिलिटी को, मतलब सेकंड पे अगर इसको लेवल अप करता हूँ तो इसका जो डैमेज है वो 60% बढ़ जाएगा 12 सेकंड के लिए, और इसका रेंज बढ़ जाएगा और स्पिन जो है इसकी बढ़ जाएगी। तो ये 11-12 का डैमेज दे रहा है, ये मैंने मारा 11-12 का डैमेज दे रहा था, अब देखो 19-18-19 का देगा 12 सेकंड के लिए, फिर 12 सेकंड बाद वो कम हो जाएगा। अब इसको मैं अगर थर्ड लेवल पे अगर अपडेट करता हूँ, हुक करेंगे किसी को, तो इसकी जो बुलेट्स है वो बढ़ जाएगी, 66 बुलेट है। अभी मैं इसको अपर कट मारूँ, देखो 66 से फिर 132 बुलेट्स हो गए। तो सेकंड एबिलिटी जो है वो बॉम्ब है, अगर मैं इसको अपडेट करता हूँ तो -8 सेकंड का इसका टाइम कूल डाउन टाइम कम हो जाएगा, जो 10% हो जाएगा, 10 सेकंड के लिए हो जाएगा। फिर उसके बाद और अपडेट करूँगा तो +80 डैमेज देगा। ओके, तो पहले मैं इसको डैमेज देख बताता हूँ, इसका जो डैमेज है 128 दे रहा है। अगर मैं इसको अपडेट करता हूँ इसका डैमेज 80% 80+ हो जाएगा। ओके, और थर्ड पे अगर मैं इसको अपडेट करता हूँ तो ये बंदों को डिसार्म कर देगा, ये तो मर ही जाएंगे, फिर भी लगाता हूँ। देखो ये बंदा डिसार्म है। अब आते हैं हुक पे, तो थर्टी परसेंट मोर बुलेट्स डैमेज अगेंस्ट हुक्ड एनिमी फॉर 10 सेकेंड, ठीक है। अभी जो डैमेज दे रहा है वो दे रहा है 17-18 का। अब मैंने देखा इधर, तो ये डैमेज देगा 24-25 का 10 सेकेंड तक के लिए। ओके, और मैं इसको अगर और अपग्रेड करूँगा तो इसकी रेंज जो है वो 30 मीटर+ हो जाएगी। जैसे कि अभी मेरी रेंज से ये बाहर है, अभी नहीं आएगा। अगर मैं इसको अपग्रेड करूँगा तो ये आ जाएगा। ओके, और मैं अगर अपग्रेड करता हूँ तो इसका जो 22 सेकंड का जो कूल डाउन है वो 12 सेकंड कम हो जाएगा और सिर्फ 10 सेकंड का रह जाएगा। ये मैंने इसको बुलाया तो देखो 10 सेकंड का हो गया। इससे पहले कितने सेकंड का था? इससे पहले था 22 सेकंड का, तो खींचा तो 20 सेकंड का हो गया। अपडेट करूँगा तो 10 सेकंड का हो जाएगा कूल डाउन।
अल्टीमेट है, उसको अगर अपडेट करते हैं तो अभी जो है 110 सेकेंड का वो है कूल डाउन, तो अगर मैंने इसको अपग्रेड किया तो इसका डैमेज भी बढ़ जाएगा, 220 हो जाएगा। और जो कूल डाउन है वो 70 हो गया है, और अगर मैं इसको और अपग्रेड करता हूँ तो डैमेज इसका 100 प्लस हो जाएगा। ये हो गया इसकी एबिलिटीज़ के बारे में। अब आते हैं इसके बिल्ड के बारे में। तो इसके बिल्ड जो है मैं रिकमेंड करूँगा आपको, मैंने अपना बिल्ड नहीं बनाया है, मैं किंग ऑफ फायर रेट का बिल्ड यूज़ कर रहा हूँ। इसका बिल्ड में जो है खासियत ये है कि जो ये हम जो इसकी बीम है ना, ये जो हम यूज़ कर रहे हैं, ये इसकी पावर बढ़ जाएगी। मेरी जो फर्स्ट फर्स्ट जो है इसका जो फायर रेट बढ़ता है, इसमें देखो इसकी जो हेल्थ है मेरी, अभी हेल्थ कितनी है अगर इसको ना लगाऊं तो 1101। और अगर मैं इसको लगाता हूँ तो मेरी 50 जो है कम हो जाएगी हेल्थ। ये देखो 10 हो गई, 11 से 10 हो गई। हाँ, तो अब इसकी स्प्रिंट स्पीड भी बढ़ जाएगी, स्प्रिंट बढ़ जाएगी इसकी, और फायर रेट बढ़ जाएगा। ये 1200, पहले मैं टोटल देखता हूँ कितना हो रहा है डैमेज। इसको लगाने से डैमेज जो हो रहा है वो हो रहा है 1278। अगर मैं इसको हटाऊँ, अगर मैं इसको बेचता हूँ, तो ये टोटल डैमेज अगर देखें इसका तो थोड़ा सा डिफरेंस है, 12% ज़्यादा नहीं होता। अगर मैं और आगे बढ़ूं तो ये इसका बुलेट रेजिस्ट जो है वो कम हो जाएगा इससे, स्विफ्ट स्ट्राइकर से। एमओ जो है वो +10% बढ़ जाएगी, और इसका जो फायर रेट है वो भी बढ़ जाएगा। अभी 1280 डैमेज दे रहा था, आप देखते हैं कितना देता है, 1394। अब इसको और पावरफुल करते हैं, इसका जो वेपन डैमेज है वो 6% बढ़ जाएगा, और एक शील्ड मिलेगी 40%, ये शील्ड मिली है। और अब इसका डैमेज देखते हैं कितना हो रहा है, 1624 हो गया है। और इसको पावरफुल करते हैं, अब इसमें जो है 100+ हेल्थ मिल जाएगी, और बुलेट रेजिस्ट 25 की हो जाएगी। अब देखते हैं कितना डैमेज देता है, कोई फर्क नहीं पड़ा ज़्यादा। हाँ, अब इसकी जो बुलेट लाइफ स्टील जो है ये बहुत ज़रूरी है। मैंने ये हाफ हेल्थ की है, और अब मेरी जो रीजन जो है ये बीबॉप एक अकेला ऐसा है जो +3 का रीजन लेता है। अगर लाइफ स्टील अगर मैं लगाता हूँ बुलेट लाइफ स्टील, तो हेल्थ देखो मेरी कैसे बढ़ेगी। जैसे जैसे मैं डैमेज दिया है वैसे वैसे इसकी हेल्थ बढ़ती गई। अब अगर स्प्रिट स्ट्राइक लगाता हूँ मैं, तो +100 जो है स्प्रिट शील्ड हेल्थ मिल जाएगी, +1 हेल्थ रीजन मिलेगा, 3 से 4 हो जाएगा, और मेले डैमेज जो है 26% बढ़ जाएगी। वैसे मेले डैमेज है इसमें, तो मेले डैमेज अभी अगर मैं इसको नहीं लगाता हूँ तो कितना देता है देखते हैं। ये मैंने दिया 206 का डैमेज, और अगर मैं इसको लगाता हूँ तो 233 का डैमेज दे रहा है। और अगर मैं स्प्रिंट बूट्स को लगाता हूँ तो इसका रीजन 4 से 5 हो जाएगा, और स्प्रिंट की स्पीड बढ़ जाएगी, वेपन डैमेज की स्पीड बढ़ जाएगी। रीलोड नहीं था इसलिए 1678 का डैमेज दे रहा है। अब मिड गेम में आ जाते हैं। मिड गेम में बर्स्ट फायर लेंगे तो +12 का फायर रेट बढ़ जाएगा, 34 से 46% हो जाएगा, और स्लाइड होने की डिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो आप देखते हैं इसका टोटल डैमेज कितना हो रहा है। उस टाइम पे 16 था, अभी 18.6 हो गया है। अगर मैं इसको नहीं लगाता तो कितना स्लाइड कर पाई है, ठीक है।
ये जो है इतना कर रहा है, और अगर मैं इसको करूं तो ये ओके, थोड़ी सी बड़ी, ज़्यादा नहीं बड़ी है। ओके अब लगाते हैं टेस्ला बुलेट। टेस्ला बुलेट जो है 14% फायर रेट बढ़ा देगा। अब इसका डैमेज कितना पड़ेगा वो भाई साहब, 2287 का। अब इंटेंसिफाई मैक्सिम, इसमें एमओ बढ़ जाएगी मेरी और वेपन डैमेज 20% का पड़ेगा। .3329 का डैमेज दे रहा है अभी। और इंचेंटर्स बैरियर अगर मैं लगाता हूँ तो इससे मुझे सिर्फ स्पिरिट शील्ड हेल्थ मिलेगी 300 प्लस। ओ माय गॉड, ये देख रहे हो शील्ड 440 की, डैम। अब वेल वॉकर लगाता हूँ जिसमें 200 बुलेट शील्ड हेल्थ मिल जाएगी मुझे, और 12% एमओ बढ़ जाएगी, और 10% का एमओ जो वेपन डैमेज है वो बढ़ जाएगा, मतलब 88 से 98% हो जाएगा। ये लगाया मैंने, ये देखो 200 की एक्स्ट्रा शील्ड मिल गई। वेपन डैमेज देखें आप कितना हो रहा है, 44-31, नाइस। और आगे बढ़ते हैं, बुलेट शील्ड हेल्थ मिल जाएगी इससे 300 की, ये देखो 500-640 शील्ड इतनी हो गई भाई, इतना पावरफुल हो गया। अब हो गया है 200 की साइलेंस लाइट, 200 प्लस स्प्रिट शील्ड हेल्थ मिलती है, ये एबिलिटी होती है। मैं इसको यूज करता हूँ, की शील्ड मिली मुझे, 5402 का डैमेज हो गया है। एंड्यूरिंग स्प्रिंट स्पीड से जो है स्प्रिंट स्पीड मिलती है, मूवमेंट स्पीड मिलती है, बोनस हेल्थ मिलेगी 75% की, जो मेरी हेल्थ है 1997 से 2105 हो जाएगी, और हेल्थ रीगेन जो है 1.5 बढ़ेगा, मतलब 5.5 हो जाएगी। ओके अब ग्लास कैनन, ये आ गया अपन लेट गेम में। लेट गेम में जो है ये 70% का डैमेज, वेपन डैमेज ज़्यादा देगा, फायर रेट ज़्यादा देगा, मूवमेंट स्पीड ज़्यादा देगा, और मैक्सिमम हेल्थ कम कर देगा। ओके अब इसकी डैमेज देखें कितनी दे रहा है ये लगाने के बाद, 6000। कर्स में भी वेपन डैमेज ज़्यादा देगा, स्प्रिट पावर देगा। ये लगा दिया, ये लगाने के बाद जो वाई है वाई से ये मार 7000 का डैमेज दे रहा है। वैम्पायरिक बर्स्ट 150 की बोनस हेल्थ देगा मुझे, जो 1917 हो जाएगी, और वेपन डैमेज जो है 202% से 245% हो जाएगी, मोमेंट स्पीड 8.6 से 10.6% हो जाएगी। अब इसके लिए मैं रैपिड राउंड सेल करता हूँ। लुक एट द डैमेज, अब 28% का वेपन डैमेज मिलेगा अगर मैं सिर्फ फोन बुलेट्स को लगाता हूँ तो। इसके लिए मैं स्टिक बस को भी सेल कर देता हूँ। लीच लगाया, लीच लगाऊंगा तो मेरा जो हेल्थ है वो बढ़ेगी। इसके लिए मैं सेल करता हूँ बुलेट लाइफ स्टील को, क्योंकि लीच मिल जाएगी तो फिर बुलेट लाइफ स्टील की जरूरत नहीं है। आप हेल्थ किया, नाइन थाउजेंड का डैमेज दे रहा है भाई साहब। अगर थोड़ी बहुत भी गोली लगी है तो मतलब जब ही हो जाएगा। अब इसकी मूवमेंट स्पीड देखो, लुक एट द स्पीड, पहले क्या स्पीड थी और अब क्या स्पीड हो गई है। ओके अभी जो है इसके कॉम्बोज में आपको बता देता हूँ। पहला कॉम्बो जो है वो है, जो मतलब सबको ही पता है, ये खींचा बॉम्ब लगाया और दूर फेंक दिया। सेकंड कॉम्बो जो है वो है
ओके, ये मेरे से लड़ रहा है, ठीक है। ये मैंने एक बॉट लगाया है और ये मेरे से लड़ रहा है और मैं इसको मार रहा हूँ, लेकिन मेरे पास, मैंने ये किया, मैंने ये लगाया और मैंने पीछे जाके और ये मैंने इसको इसके पास फेंक दिया। अब ये ना बचेगा, ये नहीं बच सकता यहाँ पे। ये था इसका सेकंड कॉम्बो। तो ऐसे बहुत से कॉम्बो हैं। अब मैं अगर अपना ही बंदे को यहाँ पे खड़ा कर दूँ तो मैं इसको बॉम्ब लगा के और उनके पीछे फेंक दूंगा। ऐसे बहुत से कॉम्बोज हैं जो बन सकते हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा यूजेबल हो रहा है, ज़्यादातर लोग इससे खेल रहे हैं। तो ये था बीबॉप का वीडियो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं नेक्स्ट जो है अगले एजेंट के बारे में वीडियो बनाने वाला हूँ। तो तब तक के लिए बाय गाइस।